सो हेलो गाइज एंड वन सेकेंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमेशा बाइक्स के ऊपर ही वीडियोज़ क्यों बनाते हो, आप कार्स के ऊपर वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते हो। तो आपकी ये वाली डिमांड भी बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। ऐसे वीडियो के टाइटल को देखिए तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। सो देरी किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो महिंद्रा यहाँ पे काफ़ी नई नई गाड़ियों को लॉन्च करने जा रहा है आने वाले कुछ समय में। बट जो सबसे पहले ये गाड़ी होने जा रही है वो आप लोगों को सबको अभी तक पता लग ही गया होगा, वो है XUV700। अब ये वाली जो गाड़ी है ये ऐसी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसकी फ़ोटोज़ हो गई, इसकी वीडियोज़ हो गई। और ये जो गाड़ी है ये सीधे कम्पीट करेगी विद दी MG ग्लॉस्टर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर। ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर होने जा रही है और इसमें आपको काफ़ी बेहतरीन इंजन देखने को मिलेगा। 2.0 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा एंड 2.2 लीटर का आपको डीजल इंजन देखने को मिलेगा। बात करें इसके ट्रांसमिशन के बारे में तो इसमें आपको ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल आपको दोनों यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरी बात हम करें इसकी फ़ीचर्स के बारे में तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसा फीचर होगा जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसमें आपको 8 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे जो कि सेफ्टी के मामले में हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह आपको देखने को मिलेगा इंटीरियर में। आपकी फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगी, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स वगैरह आपको वहाँ पे देखने को तो मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको देखने को मिलेगी जो काफ़ी अच्छा फीचर मुझे एक लगता है SUV के मामले में। अगेन यहाँ पे हम देखें तो सनरूफ हो गई, अलॉय व्हील्स हो गए, डायमंड कट वाले वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये तो जब गाड़ी लॉन्च होगी तभी हमें पता लग पाएगा कि एक्चुअल में ये क्या क्या फीचर्स ला रही है। बट ये सारी जो फीचर्स मैंने आपको बताई ये ऑलरेडी महिंद्रा बता चुका है। तो अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बात करें इस गाड़ी की लॉन्चिंग के बारे में तो ये गाड़ी इसी साल लॉन्च होगी, अक्टूबर 2021 में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। इसकी प्राइसिंग की तरफ हम ध्यान दें तो आपको ऑलमोस्ट 25-30 लाख के आसपास इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब जो एक्चुअल प्राइसिंग वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है बट हम अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि इसी प्राइसिंग के आसपास देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देखोगे तो जो भी इसकी राइवल्स है जैसे MG ग्लॉस्टर हो गई, आपकी फोर्ड एंडेवर हो गई, टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये सारी इसी प्राइस कैटेगरीज में आती है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बात करें यहाँ पे दूसरे नंबर की गाड़ी के बारे में तो वो है यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब आप लोग को पता है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो बहुत टाइम से चलते आ रहा है एंड टाइम टू टाइम इस गाड़ी को बहुत सारे अपग्रेड्स भी मिले हैं। अभी हाल में अभी जो करेंट जनरेशन स्कॉर्पियो चल रहा है वो मुझे लगता है कि पुराने वाले जनरेशन से ज़्यादा अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस था अभी वाले जनरेशन में और पुराने वाले जनरेशन में। बट अब यहाँ पे महिंद्रा ने एक नए स्कॉर्पियो, एक न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को लॉन्च करने का यहाँ पे डिसीजन लिया है। अब बात करें इस गाड़ी के बारे में तो ये आपकी प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी होगी। यहाँ पे बात करें इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स के बारे में तो ये प्रॉपर आपकी सेम ही है। वो 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा जो कि आपकी मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी। एंड इसमें एक और चीज़, इसमें आपको 4x4 का ऑप्शन दिया जाएगा और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी वहाँ पे दिए जाएंगे जो अभी करेंट जनरेशन स्कॉर्पियो में मिसिंग है। या इवन अगर आप इसकी राइवल्स की तरफ देखोगे तो उसमें भी मिसिंग है, तो वो सारे फीचर्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। बात करें कुछ फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे आप डुअल जोन AC देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलेगी LED सेटअप के साथ, और LED फॉग लाइट, LED टेल लाइट्स वगैरह वो आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। सनरूफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड जो डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगेन यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलेंगे जो कि अभी वाले जनरेशन में मिसिंग है और अब आने वाले जनरेशन में ये दिया जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे 360 कैमरा का आपको ओवरऑल जो सेटअप है वो हमें देखने को मिलेगा। फीचर्स के मामले में देखें तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब लॉन्च होने के बाद ही हमें एग्जैक्ट फीचर का लिस्ट पता चलेगा। तो बात करें इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में तो ये गाड़ी आपकी 10 लाख से 17 लाख के बीच में प्राइसिंग लाएगी। और इसकी लॉन्च के बारे में बात करें तो या तो ये गाड़ी 2021 के एंड तक आएगी या तो फिर 2022 के फर्स्ट हाफ तक ये गाड़ी लॉन्च होगी। अभी हम बात करें तीसरे नंबर की गाड़ी के बारे में तो वो है KUV100। हाँ हाँ, ये गाड़ी अभी करेंटली चल रही है, अभी भी सेल होती है इस गाड़ी की। बट ये यहाँ पे एक नया मतलब आप एक कह सकते हो कि एक नया ही गाड़ी लॉन्च होगा क्योंकि ये जो गाड़ी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। अभी वाली गाड़ी आपकी पेट्रोल या डीजल में आती है बट ये वाली जो गाड़ी होगी ये आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। अब यहाँ पे आपको 15.8 किलोवाट आवर का आपको बैटरी देखने को मिलेगा विद फास्ट चार्जिंग
और जो कि आपकी 0-80% की जो चार्जिंग है वो आपको ऑलमोस्ट एक घंटा के अंदर कर देगी। एक और चीज़ की ये वाली जो गाड़ी है ये ऑटो एक्सपो 2020 में ऑलरेडी शोकेस्ड हो गया था महिंद्रा की तरफ से, तो वो अब महिंद्रा यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है। अब बात करें इसकी गाड़ी की कुछ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स आपको देखने को मिलेगी, ओवर स्पीड वार्निंग मिलेगी, ABS विथ EBD वगैरह आपको का सेटअप पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, तो ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट 5-7 लाख के बीच में प्राइसिंग करेगी। एक्चुअल प्राइसिंग अभी तक आउट नहीं हुआ है महिंद्रा की तरफ से, बट लेट्स सी प्राइसिंग क्या होती है, होपफुली ये 10 लाख के अंदर ही होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हम बात करें इस गाड़ी की लॉन्चिंग के बारे में, तो ये गाड़ी आपकी 2022 की हाफ या फिर अक्टूबर मतलब एंड तक ये गाड़ी आपकी आ जाएगी। बात करें यहाँ पे चौथे नंबर गाड़ी के बारे में, तो ये गाड़ी हम सबकी मनपसंद है, इवन मेरी ये पर्सनल फेवरेट गाड़ी है, ये है महिंद्रा थार। हम सभी लोग को पता है कि महिंद्रा थार अभी हाल ही में ही लॉन्च हुई है बहुत सारे नए अपडेट्स नए फीचर्स के साथ, और एक कम्प्लीटली नया, अगर आप मानोगे, अगर आप लोग ने वो गाड़ी चलाया अभी न्यू वाली जनरेशन, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पुराने वाले जनरेशन और नए वाले जनरेशन में कितना डिफरेंस है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इन टर्म्स ऑफ आपकी स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आप कम्प्लीटली डिफरेंट गाड़ी है, भले ही नाम सेम है बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पे लगा था पुराने वाले थार और अभी वाले थार में। एक मॉडिफाइड थार का मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप लोग देख लेना वो वीडियो है नीचे। और आप लोग को ये भी पता है कि अभी वाली जो थार आ रही है ये आपके 3 डोर्स के साथ आती है, इसमें आपको 3 वेरियंट्स देखने को मिलते हैं, कन्वर्टेबल हो गई, सॉफ्ट टॉप हो गई एंड एक हार्ड टॉप हो गई। बट अब यहाँ पे जो थार आने जा रही है ये है कम्प्लीटली डिफरेंट, ये थोड़ी लंबे व्हील बेस के साथ 5 डोर के साथ आएगी, मतलब ये कि ये प्रॉपर 7 सीटर के साथ आने वाला है, अभी वाला आपको 5 सीटर आप कह सकते हो बट, और इसकी इमेजेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रेंडर हो रही है। बट बात करें इस गाड़ी की कुछ फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, कुछ कुछ एड ऑन हुआ है, जो इंजन स्पेक्स है वो प्रॉपर सेम है, उसमें कोई बदलाव यहाँ नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सुनने को ये आ रहा है कि महिंद्रा थार 5 डोर जो आएगी वो 2x2 में ही आएगी, वो 4x4 में नहीं आएगा, बट ये रूमर्स है, अब एक्चुअल में क्या है ये अब इसका भी कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, बट होपफुली यहाँ पे 4x4 भी महिंद्रा को लॉन्च करना चाहिए, या तो ये 2x2 का एक और एक ऑप्शन दे सकते हैं, 4x4 का भी ऑप्शन दे सकते हैं, जो कस्टमर को जो मन होगा वो वहाँ पे ले सकते हैं। कुछ फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करें, तो फीचर्स ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत वहाँ पे ऐड ऑन है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट देखने को मिलेगी, डुअल क्लाइमेट एसी कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम आपको ओवरऑल जो यहाँ पे वो देखने को मिलेगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब फीचर्स कुछ आए हैं बाहर महिंद्रा वालों की तरफ से कि जो अपकमिंग महिंद्रा थार होगी 5 डोर वाले में उसमें ये सब फीचर्स आएंगे। बात करें इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, तो ये गाड़ी की जो प्राइसिंग होगी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव रखी जाएगी, ऑलमोस्ट आप मांग चलो 11-12 लाख की गाड़ी की स्टार्टिंग होगी। अब बात करें इस गाड़ी की लॉन्चिंग के बारे में, तो 2022 के लास्ट तक ये गाड़ी लॉन्चिंग हो सकती है, मतलब अक्टूबर या नवंबर के टाइम में ये गाड़ी हमें देखने को मिलेगी। अब ऐसे देखने में तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है जो थार है 5 डोर वाली, अब लेट्स सी जब ये गाड़ी लॉन्च होती तब एक्चुअल में इसका कैसा लुक है या फिर कैसी इसमें क्या कुछ डिफरेंस आता है गाड़ी की परफॉर्मेंस या फिर ड्राइवेबिलिटी में। तो ये थी कुछ महिंद्रा की गाड़ियाँ जो आने वाले कुछ समय में लॉन्च होंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएँ। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग एनी बाइक का, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, जो ID होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर यहाँ पे भी नीचे में शो हो रहे होंगे। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून, स्टे सेफ। दिस इज HMO World साइनिंग ऑफ।